तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जब गर्भ ना ठहरे तो जाने ये 10 बातें। सही समय पर गर्भ ना ठहर पाना, अपर्याप्त पोषण, देर से शादी करने का नतीजा हो सकता है। इसके अलावा वही कुछ कारण भी होते हैं जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये 10 उपाय आपकी समस्या को हल करने में सहायक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहली बात है कि आवश्यक जांच जरूर करवाएं। अगर आप परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाना होगा। पति पत्नी दोनों ही अपनी जांच करवाएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर उसका पता लगाया जा सके और समाधान भी निकाला जा सके। दूसरा कारण, वजन। अपने वजन को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। वजन का कम या ज्यादा होना दोनों ही स्थिति में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। दरअसल वजन बहुत अधिक कम होने पर अंडाशय में अंड बनने के लिए आवश्यक हार्मोन स्रावित नहीं हो पाते, जिससे गर्भ ठहर नहीं पाता। इसीलिए वजन बहुत कम भी ना करें और बहुत अधिक भी ना बढ़ाएं। तीसरा उपाय, व्यायाम। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कम से कम आधे घंटे व्यायाम जरूर करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आप फिट भी रहेंगे और तरोताजा भी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत देर तक एक्सरसाइज ना करें, ना ही बहुत भारी व्यायाम करें। चौथा उपाय, पोषण। पोषण का विशेष ध्यान रखें। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, ये फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक होगी। इसके लिए अपनी डेली डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं और विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम से भरपूर चीजों का सेवन करें। इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी से पीरियड्स अनियमित होकर गर्भपात की संभावना बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको डाइट में हरी सब्जियां, फल और फिश को शामिल करना चाहिए। पांचवी बात, कुछ आदतों से तौबा कर लें। जी हां दोस्तों, शराब, सिगरेट और अन्य इसी तरह की लतों से दूर रहें। इनमें पाए जाने वाले तत्व गर्भ को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इसके अलावा इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव भी कम हो सकता है, जो गर्भ के लिए बेहद नकारात्मक साबित होता है। छठा उपाय, चाय कॉफी को कम कर दें। चाय और कोल्ड ड्रिंक या कॉफी का सेवन अधिक ना करें, ये फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला कैफीन भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सातवां उपाय, इन्फेक्शन से बचाव। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, इन्फेक्शन से बचाव करें। प्राइवेट पार्ट्स की सफाई का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण भी गर्भ ठहरने में परेशानी आ सकती है। आठवां उपाय, मन से दवा ना लें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर बगैर चिकित्सक की सलाह के आपके मन से कोई दवाई ना लें। कई बार दवा के दुष्प्रभाव के चलते गर्भ ठहरने में समस्या आती है, इसलिए डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। नौवां उपाय, मासिक चक्र। मासिक चक्र के समय पर ध्यान दें। अगर आपका मासिक चक्र अनियमित हो रहा है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अगर ये समय 10 दिन से अधिक बढ़ रहा है तो जांच कराएं। मासिक चक्र शुरू होने के 10वें दिन से लेकर अगले 10 दिनों तक गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती है। इस समय साथी के साथ समय बिताएं। दसवां उपाय, सेक्स पर ध्यान दें। भले ही आपकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त हो, साथी के साथ संबंध बनाने के लिए पर्याप्त समय निकालें। इसके लिए सप्ताह में 2-3 बार समय निकाल सकते हैं। नियमित तौर पर सेक्स को अपनी जीवन शैली में शामिल करने से एस्ट्रोजन का स्राव अधिक होता है, जो कंसीव करने में मदद करता है। इसके अलावा अंडाणु बनने के पहले कुछ दिनों तक घंटों के बीच संबंध बनाना गर्भ ठहरने की संभावना अधिक कर देता है। इसके अलावा पति की सेहत का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर डाइट दें, जिसमें विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व अनिवार्य रूप से हों। इससे स्पर्म स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा शराब, सिगरेट जैसी चीजें बिल्कुल बंद कर दें। इनसे स्पर्म की मात्रा कम होती है और फर्टिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।